Hello dear all, welcome back. Now we are discussing an important problem related to your pipes. अब इस पाइप में होता क्या है, जैसे कि आपको क्लास में भी बताया गया है तो मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। पाइप का लॉजिक इज वेरी वेरी सिंपल। लेट से अगर कोई पाइप 5 आवर्स में है ना, आपके एक टैंक को फिल करता है जिसका कैपेसिटी लेट से 100 लीटर है, तो यही पाइप आपका 1 आवर में कितना फिल करेगा, वो करेगा 100/5 है ना। तो यानी आप कह सकते हैं जो टोटल कैपेसिटी होगी या टोटल वॉल्यूम जो होगा टैंक का, उस टैंक के टोटल वॉल्यूम या कैपेसिटी का 1/5 जो है, जो 1/5 वॉल्यूम जो है वो 1 आवर में फिल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बोलूँ, अगर आपने यहाँ एक पाइप 8 आवर्स में 100 लीटर का टैंक फिल करता है तो 1 आवर में कितना फिल करता, 100/8। और अगर मुझे ये वॉल्यूम को देखूँ तो यानी जो टोटल वॉल्यूम है उसका 1/8 पार्ट जो होता वो फिल हो जाता। ठीक है, तो इसी लॉजिक को देखते हुए हमारे ये पाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है बेटा। तो इसमें आपको अब क्वेश्चन में धीरे धीरे क्या पढ़ते हैं, एक स्विमिंग पूल को 3 पाइप से फिल किया जा रहा है और तीनों में यूनिफॉर्म फ्लो है। अगर फर्स्ट के 2 पाइप्स को मैं एक साथ ऑपरेट करूँ, साइमल्टेनियसली ऑपरेट करूँ, तो वो उतनी देर में ही टैंक भरते हैं जितनी देर में आपका 3rd पाइप अकेले उसको भर सकता है। तो ये उसने आपको बोल दिया है कि वॉल्यूम वाला गेम यहाँ पे चल रहा है। अब दूसरा चीज़ यहाँ पे है, जो आपका सेकंड पाइप है, यहाँ पे जो सेकंड पाइप है वो 5 घंटे फास्टर भरता है फर्स्ट पाइप से। तो मैं यहीं से क्वेश्चन को स्टार्ट करने का ट्राई करता हूँ। तो जैसे कि मेरे पास यहाँ पे 3 पाइप हैं, लेट्स से दिस इज योर पाइप नंबर बी, दिस इज योर पाइप नंबर ए एंड दिस इज योर पाइप नंबर सी। ठीक है, तो मेरे पास ये 3 पाइप हैं, ये 3 पाइप मेरे पास गिवन है, उसने 3 पाइप की ही बात करी है तो मैंने 3 पाइप ले लिए। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, जो सेकंड पाइप है वो फर्स्ट पाइप से 5 घंटे पहले भरता है। तो जो यानी फर्स्ट पाइप है, जो मेरा फर्स्ट पाइप है, सॉरी, जो मेरा सेकंड पाइप है उसका एक रिलेशन है फर्स्ट पाइप से भी, और 4 आवर्स ये स्लोअर भरता है देन द 3rd पाइप। तो जो मेरा 3rd पाइप है उसके साथ भी इसका एक रिलेशन यहाँ पे बन रहा है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, जो मेरा ये सेकेंड पाइप है उसका एक रिलेशन फर्स्ट पाइप से भी है, उसकी स्पीड का एक रिलेशन 3rd पाइप से भी है। तो आप लोग नोटिस कीजिए, दोनों में जो चीज़ कॉमन है वो कॉमन है सेकंड पाइप। ठीक है, तो कभी भी पाइप वाले क्वेश्चन में ऐसा सिनेरियो अगर आपके पास आता है तो जो भी पाइप इन दोनों सिनेरियो में कॉमन हो, जैसे सेकंड पाइप 5 घंटे जल्दी भी भर रहा है और 4 घंटे स्लो भी भर रहा है ना, तो दोनों में सेकंड पाइप से ही कंपेयर किया जा रहा है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस जो आपका सेकंड पाइप होता है मैं उसी की स्पीड को एक्स एज्यूम कर लेता हूं। तो मैं आपके सामने लिखता हूं, लेट द टाइम टेकन बाय पाइप बी, जो पाइप नंबर हमारा बी है, टू फिल द पूल वो कितना टाइम यहाँ पे लगा था, उसको मैंने लिया है एक्स आर्स। यहाँ तक कोई चैलेंज? तो पाइप बी को मैंने लिया है एक्स आर्स। तो अगर पाइप बी मेरा एक्स आर्स है तो जो पाइप वन है, पाइप वन क्या कर रहा है, पाइप वन अगर सेकेंड पाइप 5 घंटे जल्दी भरता है तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट पाइप 5 घंटा लेट भरेगा। तो जो फर्स्ट पाइप होगा मेरा उसका जो x प्लस 5 वाला सिनेरियो बन जाएगा, तो पाइप नंबर ए जो है मेरा वो x प्लस 5 हो जाएगा, क्योंकि
पाइप भी इससे फास्ट है, 5 घंटे फास्ट है, तो अगर ये 15 घंटे ले रहा है तो ये 10 घंटे लेगा, कुछ ऐसा रूल है। वहीं पाइप थ्री की बात अगर करी जाए तो पाइप सेकंड और थ्री में क्या रिलेशन है, जो पाइप नंबर टू है वो इससे 4 घंटे स्लो भर रहा है। 4 घंटे स्लो का मतलब ये है कि जो थर्ड पाइप है मेरा, जिसको मैं सी बोल रहा हूँ, वो इसमें से, यानी अगर जो ओरिजिनल टाइम एक्स है उसमें से वो 4 घंटे कम कर देगा, तभी तो आप कह सकते हो कि उससे स्लोअर है, यानी ये आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा है। तो यहीं पे आपका ये इक्वेशन क्रिएट हो जाता है जब आप इसको समझेंगे। मैं आपको वाइस वर्सा भी समझाता हूँ। लेट से अगर पाइप बी मेरा 20 घंटे में भरता और अगर पाइप वन मेरा भाई 5 घंटे फास्टर भरता है मेरा बी वाला, तो यानी पाइप पे यानी 25 घंटे लगा रहा होता, तभी तो इन दोनों में 5 का डिफरेंस है। और तीसरे पाइप से ये 4 घंटे स्लो भरता है, तो यानी पाइप नंबर सी 16 घंटे में भर देता होगा। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर मैं 20 में से -4 करूँगा तो 16 आएगा, 20 में मैं +5 करूँगा तो 25 आएगा, और उसी के बेसिस पे मैंने ये टाइम साइकिल यहाँ पे बनाया है। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए बिल्कुल से, ये पाइपलाइन में हुआ क्या है। तो रूल इज़ वेरी वेरी सिंपल, ऐसा ही आप यहाँ लिखेंगे पाइप बी के लिए। तो पाइप ए हो गया, तो पाइप ए विल टेक कितना आवर्स, x+5 आवर्स। ठीक है, ऐसे ही आप लिखेंगे पाइप नंबर सी के लिए, और पाइप वाला सी विल टेक x-4 आवर्स। यहाँ तक कोई चैलेंज तो नहीं है। अब अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, इट इज़ गिवन दैट अगर मैं इन दोनों को एक साथ ऑपरेट करूं और अगर मैं इसको एलोन इंट्रोड्यूस करूं तो ये उतना ही टाइम लेता है इस पूल को फिल करने के लिए, तो कोई टेंशन नहीं है। तो अगर मैं बोलूं इन वन आवर, 1 घंटे में जो पाइप नंबर बी आपका है वो क्या करेगा, वो टोटल वॉल्यूम जो कि वी होगी उसका 1/x पार्ट को फिल कर लेगा, 1/v/x पार्ट ऑफ द पूल विल बी फिल्ड, येस और नो। ऐसा ही मैंने आपको समझाया था। तो जैसा कि आपने ऊपर स्टार्टिंग में देखा था, यहाँ पे जो लेक्चर जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने आपको पूरा क्लियर किया था इस वाली थ्योरी के साथ, तो उसी का ये एक्सटेंशन है। तो सिंपल सी बात है, 1 आवर में पाइप बी v/x पूरा फिल कर देगा, जैसे v/8 था। जो आपका पाइप नंबर ए है वो कितना फिल करेगा, v/x+5 पार्ट ऑफ द टोटल वॉल्यूम, है ना, ये जो टोटल है। और पाइप नंबर सी का जो मैं देखूं इन 1 आवर, इट विल फिल दिस मच अमाउंट ऑफ वॉल्यूम, है ना, इतना पार्ट विल बी फिल्ड। तो ये सारा का सारा लैंग्वेज जो मैंने यहाँ पे लिखा है, प्लीज़ इसको कॉपी करके इनके आगे ज़रूर ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन में स्टेप्स के आगे। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं अब कैलकुलेशन पे जब जाऊंगा तो मैं इसको भी यहाँ रिमूव करने जा रहा हूँ। कैलकुलेशन को देखिए आराम से, यहाँ पे है क्या। ठीक है, सो इट्स वेरी इजी एज पर द सिनेरियो। अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, अगर पाइप ए और पाइप बी को ऑपरेट किया जाए तो यानी अगर मैं v/x में v/x+5 को मैं देखूं, तो वो जितना भी पूल ये दोनों आपस में फिल करेंगे 1 घंटे में, उतना ही ये भी उतना ही फिल करेगा भाई 1 घंटे में। यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। तो डेट इज़ वाई इन दोनों को एक दूसरे के सामने मैंने रख दिया है। अगले स्टेप में ये वी वी और वी आपस में कैंसिल हो जाएंगे और इन सब की जगह मैं लिखूंगा 1, 1 और 1। तो जब मैं यहाँ पे फर्दर एलसीएम को लूंगा, तो एलसीएम लेने के बाद ये हो जाएगा x+5 प्लस का x डिवाइडेड बाय x इंटू
एक्स प्लस फाइव, और ये हो जाएगा वन अपॉन एक्स माइनस फोर। इसको फर्दर अगर मैं देखूँ तो दिस इज टू एक्स प्लस फाइव, और इसका इनटू जब यहाँ होने जाएगा तो दिस इज एक्स माइनस फोर इज इक्वल्स टू एक्स इनटू एक्स प्लस फाइव। फिर से अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करूँ तो ये बनेगा टू एक्स स्क्वायर, ये आपका बन जाएगा 5x, 5x में से आपका गया माइनस का 8, तो माइनस का 3x, एंड दिस विल गिव यू माइनस का 20 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस का 5x। इसको मैं इधर अरेंज करूँ तो दिस इज एक्स स्क्वायर, दिस इज माइनस का 8 एंड दिस इज माइनस का 20 इक्वल्स टू 0, और इसके जो फैक्टर हैं वो आएंगे एक्स माइनस 10 और एक्स प्लस टू इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 10, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से जैसे ही 10 आई तो 10 यूनिट्स का आंसर आपको अब यहाँ पता चल गया है कि एक्स की वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है 10। तो जैसे ही बेटा 10 यहाँ एक्स की वैल्यू आ गई, बाकी आप सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो क्लियरली पाइप बी विल टेक एक्स आर्स यानी 10 आर्स, 10 में 4 माइनस करोगे तो पाइप सी विल टेक 6 आर्स, और 10 में ही 5 प्लस करोगे तो पाइप ए विल टेक 15 आर्स। गॉट इट? सो विद दिस वे योर क्वेश्चन इज डन। आपसे यही पूछा था अगर इंडिविजुअली ये सब ऑपरेट करते तो ये कितना टाइम लेते, तो आंसर इज 15 लेता पाइप वन, पाइप बी लेता 10 आवर्स, पाइप सी लेता 6 आवर्स। ठीक है, थैंक यू।